नवां शहर एम सी श्री चेत राम रतन की अगवाई में चर्च कलोनी चट कलोनी अंबेदकर कलोनी के वासियों वालों गलिया नालिया कारड ते स्ट्रीट लाइटा अते सीवरेज दे पानी नूं लै के डिप्टी कमिश्नर श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा शहीद भगत सिंह नगर जी नूं मंग पत्र दिता गया ते डिप्टी कमिश्नर श्री नवजोत पाल सिंह रंधावा वालों 15 दिनों विच इस काम नूं करन दा भरोसा दिता गया। पर उधर श्री चेत राम रतन वालों कहा गया कि जेकर 15 दिनों विच काम ना होया तां धरना दिता जाएगा ते घराओ किया जाएगा। आओ जानते हाँ पूरा मामला। नगर कौंसल नवा शहर दे मैनू 23 साल हो गया पर यहोजी स्थिति अज नगर कौंसल साड़ी बनी हुई आ ते आपसी चिट्टोतान ते लड़ाई दी ते बड़ा मन नूं दुख हुंदा कि शहरी सब तो ज़्यादा दुखी हैं ते इहदे नाल जिते शहर दे सीवर दी गल होई आ सीवर साडा चट कलोनी अंबेडकर कलोनी ये दो वासियां इहोजी कलोनियां जिथे इन्हों नरक वाली गिनती जो मजबूर किया जा रहा नगर कौंसल प्रशासन वालों ये सचिन दवान प्रधान बंदे भी बड़ा गल हुई तो प्रधान बल्लू जी अगवाई कर रहे हैं ये दोनों वेले सिर्फ जो प्रशासन अधिकारी आ जी सा मैडम भी आ प्रसेंटिंग ईओ साहब ये उधर गंद बंदे भेजते सीवर वाले वो जो पोचा नहीं फेर देंगे लिफ्ट के ला के लिफ्ट ला के तोड़ देंगे उत्थे पानी का प्रबंध नहीं करते पक्के तौर पर जो असं 3 बार गड्डी हस्पताल लई आ 3 महीने 2 महीने के किराए से लई आ वो जिन्ना वार्डा का किया गया पर वह गरीब आवासी लोगों का विस्तरा करके उधर बिल्कुल गड्डी नहीं भेजी गई इस फैसले के विरोध के असी डी साहब ने मंग पत्र दिता भाई जे सू 15 दिन के साडा सीवरेज ना खुलिया तो लोगों के गरीबों के नजायज़ पीड़े काट कटे गए आ उन्हां गरीब लोगों के पीड़े का कट्टन की भी अभी मंग शामिल की गई आ उत्थे लाइटा इतने लाइटा प्रशासन मैं नगर कौंसल 33 लाइटा अभी पास कराइया कुछ ट्रैफिक भी लग गई तो वो भी अभी आवाज़ बुलंद की मंडी तो लैके चट कलोनी तक सड़क रही प्रीमियस वाली वो ठेकेदार ठेका दिता होया वो भी जान बुझ के अणगहली कर रहा और नहीं शुरू कर रहा दो गलियां जो रिया होंगे एक साड़ी पानी की चट में टैंकी वाली उन्होंने सीवर पाना वो भी ठेका दिता होया भी ठेकेदार जान बुझ के वो काम शुरू नहीं कर रहे असी प्रशासन से बेनती की भाई जी सानू साफ 15 दिन मिल जाता ठीक आ जो नगर कौंसल अगर असी बिल्कुल सारे ही महल निवासी 17 वार्ड के लोग तो धरना देंगे वो असं शहर के होर बंद मंग करा कि जो सीवर खुले आ देखो सीवर खोल ढक्कन छिड़ते ढक्कना बड़ी घटनावान वापर रही कई बंद एक्सीडेंट होए उठते पूरे प्रशासन कुंभकर नींद बैठा ईओ साहब कदम नहीं मिलते दफ्तर अधिकारी नहीं मिलते इस करके सानू लोगों बड़ी परेशानी हो रही है असी मैं नगर कौंसल प्रशासन तो प्रशासन दिशा विश्वास दिता कि 15 दिन काम हो जाऊंगा असी लोगों प्रशासन जमादार प्लस ईओ सेंटिंग इंस्पैक्टर भी ये दसना चाहूँगा भी जे 15 दिन ना होया असी नगर कौंसल धरने तो बाद घराओ भी करा मैं आस रखता हाँ भी डी साहब ने तो सू भरोसा दिता उत्ते मंग पूरी होगी जेकर नहीं हों तो सू मजबूर होकर अजे फैसला लेना लेना पाऊँगा मैं महला निवासियों का तय दिन तो अर्जी हाँ बस जिन्होंने एक छोटे जे सदे से अद्धे घंटे मंग पर दिता गहानू असी जो धरना देवे लाम साल धरना देवे इन्ना कहना जय हिंद वाहिगुरू खालसा वाहिगुरू जय भीम जय भारत ठीक है। चर्च कलोनी के असी निवासी हाँ तो साड़िया गलिया नालिया का बुरा हाल आते करके बहुत ही बीमारियां फैल रही तो बच्चे काफ़ी बीमार हो रहे हैं तो इस करके असी इतने डीसी साहब नूं मंग पत्र देन आए हैं पहला भी कई बार कंप्लेट कर चुके हैं तो असं चाहते हैं कि जल्द तो जल्द वह कोई हल हो गलिया नालिया ठीक किया जाए तो स्ट्रीट लाइटा की बहुत प्रॉब्लम आ नेरा बहुत हुंदा कोई उत्थे कैमरा च साधन कोई भी लंघ नहीं पाउंदा ते अज एम सी साहब के नाल आपां रल के आए हां डीसी साहब ने मंग पत्र दिता है उम्मीद आ जल्दी साडा काम होगा। हाँ जी मेरा नाम स्वामीदास है हम चर्च कॉलोनी में रहते हैं मैं चर्च का पादरी हूँ हमारे पूरी इलाका में पूरी हमारे क्षेत्र में हमारे चर्च कॉलोनी में सीवरेज का हालात इतनी ख़राब है बहुत ज़्यादा हमने काफ़ी बार कंप्लेंट कर चुके हैं लेकिन उसका कोई सुधार नहीं हो रही है
इस पानी की वजह से हमारी पूरी इलाका में इतनी परेशान है, सारे लोग बीमार होते हैं और पूरी पानी सड़कों में खड़े रहते हैं, ना तो कोई साधन वहाँ जा पाती है, सड़क भी इतनी ख़राब हो रही है, ना वहाँ पे स्ट्रीट लाइट है। तो इस वजह से पूरी हमारी कॉलोनी के लोग परेशान हैं, तो इसलिए हम आज यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं ताकि हमारे कॉलोनी का कुछ सुधार हो जाए, हमारे सीवरेज का जो भी हमारे परेशान है उससे हम बाहर आ सकें, गली जो भी है साफ़ सुथरा रह जाए, लाइट आ जाए। इसलिए हम आज MC के साथ हम आए, आज ये मांग पत्र दे के गए किसी सबको। देखो जी इधर नवां शहर दुबाबा यूट्यूब चैनल संपर्क 9876349।